खीरी में खाद्यान्न सिंडिकेट का चर्चा बहुत दिनों से चल रही है कि बहुत भारी मात्रा में खाते आपके कई ब्रांचों में खोले गए हैं, कई कार्यवाही भी हुई हैं, केलों पर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लेकिन अभी वो जमीन तक जांच नहीं पहुंची है। नहीं, ऐसा कुछ होगा तो उसकी जांच कराई जाएगी, जांच करा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक सभा उपसभापति मनीष साहनी जी लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं, गृह जनपद है उनका, बहुत तो स्वागत है लखीमपुर खीरी पोस्ट की तरफ से मनीष साहनी जी। एक कोऑपरेटिव एक बड़ी जिम्मेदारी और लखीमपुर खीरी प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद, सबसे पहले लखीमपुर खीरी के लिए क्या खाका रहेगा कि यहाँ के किसानों को आपके इतने बड़े पद से जो है लाभ मिले? उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष के नाते मेरा 22 तारीख को निर्वाचन हुआ था, 22 सितंबर को, अभी मुझे केवल 15-17 दिन हुए हैं, लेकिन मेरी निरंतर ये प्रयास है कि लखीमपुर जनपद में सहकारिता को क्या मिल सकता है और क्या बैंकिंग क्षेत्र में मिल सकता है। हम कोशिश करने वाले हैं आने वाले समय में आपको बहुत जल्द अनुसूचित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, हम भारत सरकार के पिछड़े वर्ग के निगम से, वित्त निगम से और अनुसूचित वर्ग के वित्त निगम से एक MOU करने वाले हैं, जिसमें आपको 4-5% पर एजुकेशन लोन, गाड़ी का लोन, होम लोन, उसकी सब्सिडी जो है बाकी की वो भारत सरकार दे रही है, और ये काम सहकारिता के क्षेत्र में पहली बार होने जा रहा है। नेशनलाइज बैंक कर रहे थे, लेकिन उसमें भी नेशनलाइज बैंकों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, हमें काम करने में कोई गुरेज नहीं है, सहकारिता गाँव तक काम कर रहा है, इसलिए निचले स्तर तक इस काम को पहुंचाने का काम किया जाएगा। लखीमपुर खीरी से आप चूंकि बिलोंग करते हैं, तो लखीमपुर खीरी क्या माना जाए कि आपके इस इतनी बड़ी उपलब्धि से उसको क्या बेहतर जो है मिलने वाला है? लखीमपुर खीरी को मेरा मानना है कि आवश्यकता के अनुसार और ब्रांचें मिल जाएँ, कर्मचारी मिल जाएँ, और काम करने में जो हमारे पास जो भी प्रपोजल आएँ वो जल्द से जल्द पूरे हो जाएँ, जो समितियों के गोडाउंस खराब हैं उनके गोडाउंस बन जाएं, बाउंड्री वाल बन जाएं, सहकारी समितियों का कायाकल्प हो, ऐसा मेरा मानना है। किसानों को लेकर के जो है कोऑपरेटिव से जुड़े सीधे जुड़े होते हैं, तो उनकी बहुत सारी समस्याएं जो हैं कोऑपरेटिव से सीधे जुड़ती हैं, तो उनकी जो समस्याएं आपके सामने आती हैं तो उनको लेकर कोऑपरेटिव क्या कुछ विशेष कर रहा है? नहीं, सहकारिता के क्षेत्र में जो किसान जुड़ा है हमारा, हम तो सबसे सस्ते ऋण दे रहे हैं, 4% ऋण प्राप्त हो रहा है, 4% के ऋण में कोई बैंक दूसरा नहीं देगा, लेकिन सहकारिता दे रहा है, और ग्रामीण स्तर पर तो सहकारिता ही है, शहरी स्तर पर तो नेशनलाइज बैंक हैं, लेकिन सुदूर गांव में तो केवल सहकारिता ही काम कर रहा है, और सहकारिता बहुत पहले समय से काम कर रहा है, और अभी सहकारिता के क्षेत्र में जब से नया मंत्रालय बनाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है, सहकारिता की पूरी समितियों को कंप्यूटराइज किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में किसानों को कोई दिक्कत ना आए, उनके खातों में कोई हेरा फेरी ना हो सके, इस प्रकार से पूर्ण रूप से सहकारिता को नेशनलाइज बैंकों की टक्कर में खड़ा करने का काम कर रही है सरकार। खाद बीज को लेकर सबसे बड़ी किसान की सबसे मेन चीज़ जो है जो कॉपरेटिव जुड़ी होती है, जो खाद बीज होती है, उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति है जिससे किसानों को सीधा फायदा और ज़्यादा मिल सके? मेरा मानना है जब से 2014 से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है, मुझे तो लगता नहीं कहीं खाद की उपलब्धता में कमी आई है, कहीं कभी हो सकता है, अदरवाइज तो रोज़ क्या नाम जो लाठी खाकर ही आदमी क्या नाम जो खाद लेता था, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के बाद से ऐसा कुछ नहीं है, और हमने सब्सिडी को भी कम करने का काम करने का शुरू किया है, नैनो यूरिया लेकर आए हैं, उसमें सब्सिडी बहुत कम हो जाएगी, अभी 2000 रुपये की बोरी है चाइना में और हम आपको 300-400 रुपये में यहाँ दे रहे हैं, और अमेरिका में 3200 रुपये की बोरी है, ये सरकार वहन कर रही है किसान के लिए ही, और किसान को पूर्ण रूप से सब्सिडी से मुक्त किया जाए कृषि मंत्रालय को, ऐसा प्रधानमंत्री जी का विजन है। नीतियों के बहुद्देशीकरण की बात हुई थी, तो क्या कुछ परियोजनाएं हैं आगे कोऑपरेटिव में संशोधन और सुधार को लेकर? नहीं, सहकारिता के अंदर बहुत से संशोधन कर दिए गए हैं, पहले प्राथमिक सहकारी समितियाँ जो थी वो केवल खाद बिक्री और खरीदी का काम करती थी, अभी सारे रास्ते खोल दिए हैं, BPACS नाम कर दिया है, बहुद्देशी कर दिया है, उसमें आप मोटरसाइकिल की एजेंसी लीजिए, खाद की एजेंसी लीजिए, पेट्रोल पंप लगाइए, गैस एजेंसी लीजिए, मतलब दुनिया का काम, मत्स्य पालन करिए, दुग्ध का काम करने के लिए एक ही समिति ये सब काम कर सकती है, बहुद्देशी कर दिया है। मनीष जी, विकास के साथ साथ जो है करप्शन पर रोक भी एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके। लखीमपुर खीरी की कोऑपरेटिव बैंक में अवैध तरीके से खाते खोलने और पैसे निकालने की बड़ी चर्चा है पिछले कई सालों से, क्या कुछ उस पर जो है आपकी नज़र रहेगी, किस तरीके पर प्रबंधन करें? नहीं, देखिए ऐसा होता है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, पूरे देश के अंदर सहकारिता के करोड़ों लोग खाता धारक हैं, और कहीं भी कोई त्रुटि हो सकती है और उस पर तुरंत कार्रवाई भी करने का काम होता है। UP कोऑपरेटिव बैंक में एक रिटायर्ड कर्मचारी गया, उसने किसी पासवर्ड से 146 करोड़ रुपया
ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे खाते में, लेकिन एक भी पैसा, एक रुपया, दो दिन पता नहीं लगा, दो दिन बाद पता लगा, लेकिन दो दिन में भी वो रुपया, एक भी रुपया निकालने नहीं पाए वो। हमने उसको फ्रीज कराया हमारे अधिकारियों ने, हमारे प्रशासन ने, और उनके खिलाफ़ FIR हुई, गिरफ्तार हुए, जेल गए, और ये तो सतत प्रक्रिया है। लखीमपुर खीरी में खादान सिंडिकेट का चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही हैं कि बहुत भारी मात्रा में खाते आपके कई ब्रांचों में खोले गए हैं, कई कार्यवाही भी हुई हैं, कैलों पर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लेकिन अभी वो जमीन तक जांच नहीं पहुंची है। नहीं, ऐसा कुछ होगा तो उसकी जांच कराई जाएगी, जांच करा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लखीमपुर खीरी पहुंचे मनीष सैनी अर्बन कॉपरेटिव सभापति हैं, इनका कहना है कि लखीमपुर खीरी में जो सिंडिकेट बड़े फर्जी खातों को लेकर के लंबे समय से चल रहा है, उस पर जांच कराई जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि जुमला होता है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जुमला हकीकत में कब बदलेगा ये देखने वाली बात होगी। लखीमपुर खीरी पोस्ट, गोपालगिरी।